हमारा चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हो गाइस, और मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है, और आज का टॉपिक ये है कि आप जिस भी पर्सन का वेट कर रहे हो उनके लिए आपको वेट करना चाहिए या फिर लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। ओके, तो ये हम देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए सही है भी या नहीं, और आपको वेट करना है या फिर मूव ऑन कर जाना है। तो ये पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, क्रश हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ओके, तो आज मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हैं, कार्ड नंबर 1 एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, एंड कार्ड नंबर 2 एंजल ऑफ लव। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। अगर आपको पेड पर्सनल रीडिंग्स करवानी है या एनर्जाइज ब्लेस्ड फॉर्म में क्रिस्टल स्टोन्स, ब्रेसलेट्स, पेंडेंट्स एसेट्रा परचेज करने हैं फॉर योर रिलेशनशिप, हीलिंग, करियर, अबंडेंस एसेट्रा, या फिर लेसन्स लेने हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, वीडियो में भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, या फिर बाकी चीज़ों के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर एंजल ऑफ बैलेंस को चूज़ किया है, देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हो क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। सो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा गाइस, इससे अप्रिशिएशन मिलता है। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहे, और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो चलिए देखते हैं। सो जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ गाइस, तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बना के रखें उन स्पेसिफिक पर्सन के बारे में। ओके, हमारे पास जो कार्ड्स हैं, द मजिशियन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और भी कार्ड्स देखते हैं हम। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, फिर मैं साइंस बताऊंगी आप लोगों को। ओके, द आउटसाइडर, अबंडेंस, आइसोलेशन, न्यू विजन, थंडरबोल्ट। ओके गाइस, सो जो साइंस आपके आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन। ओके, अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फिर है एयर साइन, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे फायर साइन मुझे उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट अर्थ साइन, एयर साइन ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, और वाटर साइन थोड़ा बहुत है। ओके गाइस, लियो भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, फायर साइन से लियो दिख रहा है। ओके, लियो, या सो गाइस, क्या आपको इस पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जितने उतार चढ़ाव आप दोनों के कनेक्शन में आने थे वो आ चुके हैं। हो सकते हैं पूरे तरीके से ब्रेकअप हो गया है, बहुत टाइम हो गया है, सेपरेट हुए हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया, या फिर आपके पर्सन को लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है। ओके, बट ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि जितने टावर मोमेंट्स आने थे डिवाइन की तरफ से लेसन्स के लिए वो आपने फेस कर लिया है, आपके पर्सन ने फेस कर लिया है। ओके, आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा पेन झेल लिया है। ओके, सो आप लोग एक न्यू फेस में एंटर करने वाले हो। ओके, और आपको जो है क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप लोग परेशान हो सकता है कि आपके पर्सन और आप स्टक हो,
तो आप दोनों हो सकता है स्टक हो, ठीक है, पेन में हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, आपको समझ नहीं आता है कि इस पर्सन के लिए वेट करें तो कब तक करें और कुछ होगा तो कब तक होगा, बट मुझे दिख रहा है कि आप मैनिफेस्ट शायद कर रहे हो बहुत पहले से, अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्राई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। लेकिन जो तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से वेट करना है। तो हमारे पास है यहाँ पे अबंडेंस और है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो ये हमें बता रहा है कि आपको सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ में ध्यान देना है, बिकॉज जैसे आप इस ये जो स्टक एनर्जी है ना आपके, जो फंसा हुआ आपको लगता है कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, पर्सन वापस नहीं आ रहा है, पर्सन की राह देखना, ठीक है, पेन में रहना, नेगेटिव सोचना, रोना धोना, ठीक है, तो ये सब जो चीज़ है उससे आपको निकलना है, आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना है। क्योंकि जैसे आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करोगे और आप ऐसा सोचोगे कि नहीं ये जो चीज़ है ये किसी मकसद से हुआ है, इसके बाद सब कुछ ठीक होगा, तो आपके जो पर्सन की जो मेंटालिटी उसमें चेंज आएगी, आपके पर्सन की जो विजन में उनमें चेंज आएगी, ओके। और ये जो थंडर बोल्ट वाला सिचुएशन जो चलता रहता है, उतार चढ़ाव, अगर फिर ये आती भी है वापस तब भी झगड़ा होता है, तब भी सेपरेशन हो जाते हैं, तो ये चीज़ हट जाएगा। तो आपको सेल्फ लव सेल्फ ग्रोथ में ध्यान देना है, आपको अपने अंदर बैलेंस ढूंढना है, ओके। क्योंकि जो एंजल है वो आपको यही बता रहे हैं कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाना है, ठीक है। एंजल्स जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमें सही रास्ते दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम होता है वो हमें ही करना पड़ता है, खुद से ही करना पड़ता है, कोई हमें करके नहीं देता, ओके। तो ये चीज़ है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए, ओके। और अगर आपने अभी तक मैनिफेस्ट नहीं किया है तो मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज मुझे लग रहा है आप दोनों की फिर से नई शुरुआत होगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक नया नज़रिया आप दोनों देखोगे एक दूसरे के लिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ लव और अपने ऊपर फोकस नहीं करोगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तब तक चलता जाएगा जो साइकिल है, जो लूप है वो चलता जाएगा, और चैलेंजेस बहुत आते जाएंगे, ठीक है। चैलेंजेस अभी भी हैं, ठीक है, लेकिन जो मेजर चैलेंजेस थे वो आपने कहीं ना कहीं फेस कर लिया है। तो अगर आप सिर्फ सेल्फ लव में ध्यान देते हो, मतलब वेट करते हो इन द सेंस कि इस पर्सन के लिए ऐसे राह नहीं देखते, परेशान नहीं होते हो, बल्कि अपने ऊपर फोकस करते हो, ठीक है, और खुश रहते हो अपने अंदर ही, आपको ऐसा लगता है कि आपको अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपको प्यार अपने आप से करना है, अपने आप से लेना है, तो ये सब अगर आप करते हो तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आ जाएंगे, ओके। कोई चिंता की बात नहीं है, तो डेफिनेटली आपको वेट करना चाहिए इस पर्सन का। बट अगर आप इस तरीके से वेट करते हो और लेट गो कर देते हो मैनिफेस्ट करने के बाद भी, अगर लेट गो कर देते हो और रिजल्ट का वेट नहीं करते, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत जल्द वापस आएंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है खुद स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है करियर में ये स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं देते। तो कुछ भी चीज़ें हैं, मेजर चैलेंजेस आप दोनों ने फेस कर लिया है, आगे भी चैलेंजेस हैं, बट अगर आप सेल्फ लव एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट में पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हो, पूरी तरीके से लेट गो कर देते हो कनेक्शन को, पर्सन को, ठीक है, और होपफुल रहते हो बट को डिपेंडेंट नहीं रहते हो, तो जाके ये पर्सन आ जाएंगे। और वेट तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो भी डिवाइन की तरफ से है, वो कुछ सिखाने के लिए, लेसन्स देने के लिए है, और एल्स आप दोनों का जो कनेक्शन है वो इन्फिनाइट है, ठीक है, ख़त्म नहीं होगा, कुछ भी कर लोगे, चैलेंजेस आएंगे, दुख होगा, पेन होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को पूरी तरीके से छोड़ के जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो वेट अगर इस तरह से करते हो तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ठीक होंगी, और द आंसर इज यस, आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय 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 बाय। हेलो पायल नंबर टू, चुने भी पायल टू या फिर एंजल ऑफ लव को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए, ओके। सो जब तक मैं कास्ट निकाल रही हूँ प्लीज़ आप लोग पॉजिटिव रहिएगा गाइस, ओके। और अगर आपको पेड पर्सनल रिंग्स करवानी है, एनर्जाइज क्रिस्टल स्टोन्स ब्रेसलेट्स परचेज करने हैं या लेसन्स देने हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओके गाइस। और अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस, फिर मैं साइंस बताऊंगी आप लोगों को, ओके।
हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग, बर्डन, लेजीनेस, एक्सपीरियंसिंग, एग्जिस्टेंस. ओके, तो जो साइंस आपके अभी आपके पर्सन के हो सकते हैं वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी. एक्वेरियस स्पेशली है हमारे पास. ओके, एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस. ओके, यहाँ पे फायर साइन और एयर साइन ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे. यस, ओके, और वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस. ओके, सो यहाँ पे अर्थ साइन कम दिख रहा है मुझे. ठीक है, सो डजंट मैटर. ओके, सो देखते हैं कि आपको आपके पर्सन के लिए वेट करना चाहिए कि नहीं चाहिए. तो देखो, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ तो ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. ओके, मतलब आपकी रहन सहन, आपकी लाइफस्टाइल, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी मेंटालिटी अलग है, आपके पर्सन की अलग है. दोनों में तालमेल हो सकता है कि नहीं बैठता हो पहले से ही. दोनों बहुत अलग अलग किस्म के हो, और मुझे लग रहा है कि आपने बहुत वेट कर लिया है. कुछ लोग हो सकता है सिंगल मदर हो, या फिर डाइवोर्सी हो सकते हैं कुछ लोग. लेकिन जो भी सिचुएशन है, आपने इस पर्सन का बहुत वेट कर लिया है. आप एकदम रूट काइंड ऑफ हो चुके हो, जहाँ पे आपके दिल में अब प्यार को लेकर कोई जगह नहीं है, आपके दिल में किसी पर्सन के लिए कोई जगह नहीं है. आपको लगता है कि ये सब एक वेस्टेज है. ठीक है, समय का वेस्टेज है, इमोशंस का वेस्टेज है, सब कुछ वेस्टेज है. कोई मतलब नहीं है कुछ भी कर लेने से. ओके, और बट यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, ये पर्सन खुद आपका वेट करते हैं. ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इग्वेस्टिक हैं. इनकी एनर्जी है वो स्टेबल नहीं रह पाती है, इधर उधर इनका मन भागता है, लेकिन ये पर्सन खुद आपके लिए वेट करते हैं. ओके, और मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, या तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑप्शंस है लव लाइफ में, या आगे चल के आएंगी, लेकिन आपका फोकस एक ही इंसान पे है और आपको बाकी चीज़ों में ध्यान देना ही नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है. ओके, और मुझे लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत पहले से इस पर्सन को वापस पाने के लिए, बट फिर भी कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है. ठीक है, क्यों वर्कआउट नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अभी तक वुंडेड हो, आपकी हीलिंग नहीं हुई है. द स्टार कार्ड आया है, ना आपकी पर्सन की हुई है ना आपकी हुई है. ठीक है, आप भी पास्ट की चीज़ों को लेके फंसे हुए हो, जिसके वजह से ये एनर्जी आ रही है आपकी. ठीक है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि दुनिया बेकार है, इंसान बेकार है, प्यार की कोई जगह नहीं है, कीमत नहीं है, सब कुछ अपने से करना पड़ेगा. ठीक है, हमारे साथ गलत हो गया, ये हो गया, तो आप वुंडेड हो, आपकी हीलिंग नहीं हुई है. ठीक है, जिसके वजह से भी अगर मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, चाह भी रहे हो कि ये पर्सन वापस आए, तो वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने एंजल ऑफ लव का चूज किया है. और एंजल्स ये चाह रहे हैं कि पहले आप सब में प्यार बांटो, अपने आप से प्यार करो, सब में प्यार बांटो, रैदर दैन कंप्लेंट्स के. ठीक है, या पेंस के, या सोचना कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, काश मैंने ये चूज़ नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता. तो ये सब जो है, आप कहीं ना कहीं मुझे वुंडेड दिख रहा है, हीलिंग आपकी नहीं हुई है. ओके, और ये पर्सन भी आपके लिए वेट करते हैं. ठीक है, लेकिन ये पर्सन कोई एक्शंस नहीं लेते आपके लिए. और मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट में आपके पास ऑप्शंस है लव लाइफ को लेकर, अगर नहीं है तो फ्यूचर में आएंगी. ठीक है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि देखो, यहाँ पे एक्सपीरियंसिंग का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अगर आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है, अगर आप चाहते हो कि यही पर्सन आपके लाइफ में वापस आए, तो आपको ये करना पड़ेगा कि सारे तरीके के कंट्रोल इश्यूज, सारे तरीके के बर्डन्स आपको लेट गो करने होंगे, रिलीज करने होंगे. ठीक है, आपको अपने आप को हील करना होगा. अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया तो उससे हील करना होगा, बाकी चीज़ों को हील करना होगा, लेट गो करना होगा, अपने अंदर की जो टॉक्सिसिटी है उसे निकालना पड़ेगा, अपने अंदर की जो रूडनेस है, अपने अंदर की जो आपने चेंज कर लिया ना अपने फीलिंग्स में, उसे आपको ठीक करना पड़ेगा पहले की तरह, तब जाके ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं. और एल्स आप मूव ऑन कर सकते हो, और मूव ऑन करने के बाद आप दूसरे ऑप्शंस को भी चांस दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस के साथ एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है. ठीक है, तो आपके लाइफ में ट्रू लव एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अगर प्रेजेंट में नहीं करता है तो फ्यूचर में करने वाला है, लेकिन चूज़ आपको करना है. तो ये पाइल जो मुझे यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं इस पाइल के लिए, फॉर पाइल नंबर टू, फ्रेंड्स, आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, डिवाइन आपको खुद ऑप्शंस देंगे, लेकिन आपको चूज़ करना है. तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन वेट अगर करोगे तो आपको पहले हील होना पड़ेगा, हील होना पड़ेगा. ठीक है, सारे पास्ट इश्यूज़ को लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके पर्सन की अराइवल होगी, नहीं तो फिर इन एंड आउट सिचुएशन हो गए. पर्सन आएंगे फिर जाएंगे, आएंगे फिर जाएंगे. ओके, और अगर आपको मूव ऑन करना है तो भी आप मूव ऑन कर सकते हो,
और मूव ऑन करके आप दूसरे ऑप्शंस को अवेल कर सकते हो, दूसरे पर्सन्स को अपने लाइफ में एक मौका दे सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अगर आप वेट करोगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा, अगर मूव ऑन करोगे तब भी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आपके लाइफ में ट्रू लव है, ठीक है। चाहे वो ट्रू लव आपके स्पेसिफिक पर्सन हो या फ्यूचर में कोई आने वाले पर्सन हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों साइड में जाओगे तो दोनों में ही आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके अलग अलग तरीके हैं जो मैंने बताए हैं। ओके, सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, टू